गुजराती भगोड़ा जितने पैसे लेकर भागा उतने में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाती। अखिलेश यादव के इस ट्वीट से सत्ताधारियों में मची खलबली। को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महोबा में प्रचार किया। महोबा में सपा गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि गुजरात का भगोड़ा इतने पैसे लेकर कहां भाग गया जितने में 300 यूनिट फ्री बिजली मिल जाती। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात का भगोड़ा बैंकों से इतने पैसे लेकर भाग गया जितने पैसों में उत्तर प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिल सकती थी। इससे पहले भी जो भगोड़े भागे थे वो भी कहां से थे ये भी आप जानते ही हो। अखिलेश यादव के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी है। बता दें कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने देश के बैंकों को करीब 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इसके अलावा विजय माल्या भी करीब 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप रखते हैं। महोबा में सभा को संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव ने महिलाओं को पेंशन देने का वादा भी किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो माताओं बहनों को पेंशन दे रही थी लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई इसने पेंशन छीन ली। सपा सरकार ने तय किया है कि सरकार बनने पर अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपए महीना और 18,000 रुपए सालाना समाजवादी पेंशन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार आने के बाद हम आउटसोर्स को धीरे धीरे बंद करके परमानेंट नौकरी देने का काम भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस बाइट्स।